through the charm of the Lord of Chiefs, Shlokanam Chakra. श्रेयस्वं तत् मद्राजं कर्मणात्मनिहसे दुःखानि हि सुखावाप्ति श्रेयस्तन्नेह चेष्यते श्रेयस्त्वं कतमद्राजन् कर्मणात्मन इहसे दुःखानि हि सुखावाप्ति श्रेयस्तन्नेह चेष्यते श्रेयस्त्वं कतमद्राजन् कर्मणात्मनिहसे दुःखानि सुखावाप्ति श्रेयस्तन्नेह चेष्यते श्रेयस्त्वं तन्मद्राजन् कर्मणात्मन् इहसे दुःखानि सुखावाप्ति श्रेयस्तन्नेह चेष्टते समस्त सुखों की प्राप्ति श्रेयः आशीर्वाद तत् वह न कभी नहीं इह इस प्रसंग में च तथा इष्यते प्राप्य है। अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। नारद मुनि ने राजा प्राचीन परीक्षित से पूछा, हे राजन, तुम सकाम कर्मों के द्वारा कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हो? जीवन का मुख्य उद्देश्य हो समस्त कष्टों से छुटकारा पाना तथा सुख भोगना है, किंतु इन दोनों को सकाम कर्म द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता।
करिए। इस संसार में मोह ने वास्तविक बुद्धि को आच्छादित कर रखा है। रजोगुणी व्यक्ति किंचित चल नहीं रहा, पहले ठीक चल रहा था, बीच में थोड़ा सा, हाँ अभी जो बीच में था ठीक था, तो फिर से आवाज कम हो गया, थोड़ा सा अपने को चेंज किया। इस संसार में मोह ने वास्तविक बुद्धि को आच्छादित कर रखा है। रजोगुणी व्यक्ति किंचित लाभ के लिए कठोर श्रम करने को उद्यत रहता है, किंतु उसे इसका ज्ञान भी नहीं रहता कि काल उसे सदा के लिए कुछ भी भोगने नहीं देगा। श्रम की तुलना में मनुष्य को जो लाभ मिलता है वह उपयोगी नहीं होता, और यदि उपयोगी हुआ भी तो निरापद नहीं होता। यदि कोई मनुष्य पैदायती धनी नहीं है और वह घर, मोटर तथा अन्य भौतिक वस्तुएं खरीदना चाहता है, जिसके लिए उसे वर्षों अहर्निश श्रम करना पड़ता है, इस प्रकार बिना कुछ कष्ट उठाए सुख की प्राप्ति नहीं होती। वास्तव में इस संसार के भीतर विशुद्ध सुख तो मिल ही नहीं सकता। यदि हम कोई सुख उपभोग करना चाहते हैं तो बदले में कोई दूसरा कष्ट उठाना होगा। कुल मिलाकर दुख इस संसार की प्रकृति बन चुका है, और हम जो भी सुख भोगना चाहते हैं वह मात्र छलावा है। अंततः हम सबों को जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु के कष्ट सहने पड़ते हैं। भले ही हम बढ़िया से बढ़िया दवाएं खोज निकालें, किंतु रोग या मृत्यु द्वारा उत्पन्न कष्टों को रोक पाना असंभव है। वस्तुतः दवा रोग अथवा मृत्यु के लिए निराकरण नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में कभी भी सुख नहीं है, किंतु मोहग्रस्त व्यक्ति तथाकथित सुख के लिए कठिन श्रम करता है। निसंदेह कठिन श्रम करने को ही सुख मान लिया जाता है, यही मोह है। इसीलिए नारद मुनि ने राजा प्राचीन बहिर्षद से पूछा कि वे इतने व्यवसाध्य यज्ञों को करके क्या पाना चाह रहे हैं। यदि कोई स्वर्ग लोक पा भी ले तो उसे जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु से छुटकारा नहीं मिल सकता। चाहे तो कोई ये तर्क कर सकता है कि भक्तों को भी भक्ति के लिए कठिन तपस्या करते समय अनेक कष्ट सहने पड़ते हैं। निसंदेह नव दीक्षितों के लिए भक्ति साधना अत्यंत कष्टप्रद लग सकती है, किंतु उन्हें यह आशा तो बनी रहती है कि अंततः उनके सारे कष्ट दूर होंगे और उन्हें सुख की चरम अवस्था प्राप्त हो सकेगी। सामान्य कर्मियों को ऐसी आशा नहीं रहती, क्योंकि उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो भी जाए तो जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु से मुक्ति का कोई आश्वासन प्राप्त नहीं होता। यहाँ तक कि सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक में स्थित ब्रह्मा को भी मरना पड़ता है। भले ही ब्रह्मा का जन्म तथा मृत्यु सामान्य व्यक्ति के जन्म तथा मृत्यु से भिन्न हो, किंतु इस संसार में वे भी जन्म, जरा, रोग तथा मृत्यु के दुख से बच नहीं पाते। अतः यदि कोई सचमुच इन कष्टों से मुक्ति का इच्छुक है तो उसे भक्ति करनी चाहिए। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवद गीता में की है। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मेरे प्राकृत्य तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति से अवगत है, वह इस शरीर को त्यागने पर इस भौतिक जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, वरन मेरे धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार भक्त पूर्ण कृष्ण भक्ति प्राप्त करने पर मृत्यु के पश्चात इस संसार में फिर नहीं आता, वह भगवान के धाम को वापस जाता है। यही सुख की चरम अवस्था है, जिसमें दुख का लेश मात्र भी नहीं रहता। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं
ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तत्कांचन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसिते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा। तो इस अध्याय से पुरंजन उपाख्यान प्रारंभ हो रहा है। आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रही है क्लियर? हाँ, सब लोगों को पीछे जो बैठे हैं क्लियर है माता जी आवाज? अगर आवाज़ क्लियर है तो हाथ ऊपर कीजिए तो पता चलेगा। ओके, थैंक यू। तो इस अध्याय से पुरंजन उपाख्यान का प्रारंभ हो रहा है। पिछले अध्याय में रुद्र गीत हुआ, शिवजी ने ज्ञान दिया रचयिताओं को और फिर उन्होंने तपस्या की काफ़ी समय तक। तो इधर नारद मुनि ने सोचा कि अब पुत्र तो चले गए हैं तपस्या करने, पिता को जाकर देखता हूँ वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि सबको ज्ञान देना है, सबको मुक्त करना है। तो इसीलिए इस अध्याय में वे राजा प्राचीन बहिष्कृत के पास जाते हैं जो सकाम कर्मों में लगे हैं और उनको अप्रत्यक्ष रूप से भक्ति के महत्ता को समझाते हैं। इस अध्याय को सार के रूप में देखा जाए तो इस अध्याय में नारद मुनि ने अप्रत्यक्ष रूप से भक्ति का गुणगान किया, साथ ही साथ हमारी जो आसक्ति होती है पारिवारिक जीवन में उसके खतरों का वर्णन किया और महत्वपूर्ण चीज़ भौतिक बुद्धि को कैसे आध्यात्मिक बुद्धि में परिवर्तित करना चाहिए इसका प्रारंभ किया। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ये अध्याय है। इसके करीब पहले 8 श्लोकों में नारद मुनि की कृपा प्राचीन बहिष्कृत पर कैसे हुई इसका वर्णन किया गया है और फिर उसके आगे करीब 24वें श्लोक तक राजा पुरंजन की कथा का वर्णन है। पुरंजन ये आप जैसे जैसे ये अध्याय आगे बढ़ेगा हम लोग सुनेंगे कि पुरंजन की कथा के द्वारा नारद मुनि कैसे राजा प्राचीन बहिष्कृत को उसकी अवस्था बतला रहे हैं और फिर उसके आगे करीब 45 श्लोक तक ये वर्णन किया गया कि कैसे एक बहुत सुंदर स्त्री राजा पुरंजन की पत्नी बनती है। और फिर अध्याय का
अंतिम भाग वर्णन करता है नव द्वारों का। नव द्वारे पुरे देही, वो गीता में भगवान कहते हैं, तो नौ द्वारों वाले शहर का वर्णन इसके अंतिम भाग में किया जाएगा। तो ऐसे ही पूरा अध्याय है। और इस श्लोक में, आज का जो श्लोक है, इस श्लोक में नारद मुनि कहना प्रारंभ कर रहे हैं। नारद मुनि राजा प्राचीन बहिष्यत के पास जाकर उनको पूछ रहे हैं बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न कि ये जो आप सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, इससे क्या लाभ होने वाला है? क्या सही दृष्टि में जीवन का लाभ होगा या केवल इन कामों में लगे रहकर समय बर्बाद होगा? जैसे नैमिषारण्य के ऋषि जब वो यज्ञ कर रहे थे तो वो सुत गोस्वामी से कहते हैं कि हमें ये यज्ञ करने से कुछ प्राप्त नहीं हुआ, केवल हमारा मुंह काला हो गया है, क्योंकि इतनी राख उड़ी, इतने धुआं उड़ा, तो बस वही हुआ। अर्थात नारद मुनि इस प्रश्न के द्वारा हम सबको ये सिखलाने का प्रयास कर रहे हैं कि अगर हमारे कार्यों से हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम, भक्ति के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न नहीं हो रही है, तो फिर ये केवल श्रम है। माता देवहूति बताती हैं कि ये जो मनुष्य जीवन है, इसमें जो कर्म होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए? नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते न तीर्थ पद सेवाय जीवन अपि मृतो भी सह। वो कहती हैं कि जिसके कर्म, जिस व्यक्ति के कर्म, नेह यत् कर्म धर्माय, हमें धर्म तक नहीं ले जाते, सच्चे धर्म तक, नेह यत् कर्म धर्माय न विरागाय कल्पते, और ऐसा धर्म जो वैराग्य उत्पन्न नहीं करता हृदय में, नाम मात्र का धर्म है, आसक्ति बढ़ा रहा है, ऐसा धर्म अगर है, न विरागाय कल्पते, और वैराग्य, क्या केवल वैरागी होना पूर्ण है जीवन में? तो न विरागाय कल्पते न तीर्थपद सेवाय, ऐसा वैराग्य जो भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा की ओर न ले जाए, जीवन अपि मृतो हि सह, जीवित रहते हुए भी वो व्यक्ति मरा हुआ है। और वही चीज को यहाँ पर नारद मुनि पूछ रहे हैं कि क्यों सकाम कर्मों में लगे हो, क्या उद्देश्य है जीवन का, क्या पाना चाहते हो जीवन में? थोड़ा बहुत आनंद, थोड़ा बहुत शरीर का भोग, और अंत में मृत्यु, और सब कुछ समाप्त। अश्विन प्रभुपाद तात्पर्य में अगर हम पूरा तात्पर्य देखें तो बड़ी महत्वपूर्ण बातों को कहते हैं। प्रमुखतः तीन बातें श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में कहते हैं, इस भौतिक जगत की निरर्थकता को प्रकट करते हैं। प्रारंभ ही करते हैं कि इस संसार में मोह ने वास्तविक बुद्धि को आच्छादित कर दिया है। तो इस भौतिक जगत की निरर्थकता को प्रकट करते हैं, साथ ही साथ शाश्वतता, आध्यात्मिक जगत की शाश्वतता को प्रकट कर रहे हैं, असली आनंद को, और इस मनुष्य जीवन की उपयोगिता को प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार से ये पूरे तात्पर्य में प्रभुपाद ने तीन महत्वपूर्ण चीजें दी हैं, कैसे ये भौतिक जगत निरर्थक है, आध्यात्मिक जगत शाश्वत है, और ये जो मनुष्य जीवन है इसका क्या उपयोग है। अगर इन तीन चीजों को हम लोग समझ लें तो फिर जीवन सफल है। प्रभुपाद के तात्पर्य, एक एक तात्पर्य हमारे जीवन को सफल करने के लिए परिपूर्ण है। जैसे शास्त्रों के लिए कहा जाता है, विशेषतः रामायण के लिए कहा गया, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकम अक्षरम पुंसः महापातक नाशनम। और इसी तरह श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य हैं, जैसे रामायण का एक एक शब्द
महापातक नाशनम। इसी तरह श्रील प्रभुपाद के हर तात्पर्य हमें परिपूर्ण है इस जगत से दूर ले जाने के लिए, इस जगत से परे ले जाने के लिए। परस्तस्मात् भावोन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः, एक ऐसे सनातन जगत में ले जाने के लिए जो जगत व्यक्त और अव्यक्त नहीं होता और जहां मोबाइल भी नहीं होते। आध्यात्मिक जगत में मोबाइल नहीं है, वैसे इस जगत में भी नहीं रहने वाले हैं ज्यादा समय तक। प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो इतना तांत्रिक ज्ञान बढ़ रहा है, यांत्रिक ज्ञान बढ़ रहा है, ये और थोड़े समय के लिए है, सब नाश होगा। वैसे हम लोग प्रवचन प्रारंभ करने के पहले जब प्रेम ध्वनि कहते हैं या प्रणति कहते हैं तो उसमें एक हमें जोड़ देना चाहिए, मोबाइल बंद रखने वालों की जय। तो इस जगत की जो निरर्थकता है और आध्यात्मिक जगत की शाश्वतता, इसको समझना है और उसको प्राप्त करने के लिए मनुष्य जीवन की उपयोगिता, मनुष्य जीवन की एक ही उपयोगिता है। मनुष्य जीवन इसलिए नहीं मिला कि हम लोग आराम करें, खाएं पिएं, कुछ थोड़ा सकाम कर्म करें, थोड़े बहुत आनंद प्राप्त करें, थोड़ा ऊंचा आनंद प्राप्त करें स्वर्ग में जाकर, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। इसीलिए इस तात्पर्य में प्रभुपाद इस चीज़ का वर्णन कर रहे हैं। इस जगत में हम लोग जिस शरीर के प्रति आसक्त हैं, नारद मुनि बहुत सुंदर प्रश्न पूछते हैं भागवत के 10वें स्कंद में, नलकुवर और मणिग्रीव की कथा में, कि ये शरीर है किसका? हम लोग तो इसे माने बैठे हैं कि हमारा है, जीवन भर बचपन से लेकर मृत्यु तक हम तो इसे अपना ही मानते हैं। नारद मुनि प्रश्न करते हैं, है किसका ये शरीर? क्योंकि शरीर जब समाप्त, जब देह त्याग देता है जीव, तो फिर ये शरीर किसकी संपत्ति कहलाता है? क्या ये शरीर उस मालिक की संपत्ति है जो धन देकर इस शरीर को बनाए रखता है? क्या ये शरीर माता पिता की संपत्ति है जो इसको जन्म देते हैं? क्या ये शरीर किसी ऐसे व्यक्ति की संपत्ति है जिसने ये खरीद लिया है? नारद मुनि कहते हैं, कभी कभी किसी को खरीद लिया जाता है, गुलाम हुआ करते थे पहले, तो क्या ये शरीर उसकी संपत्ति है? और मृत्यु के बाद क्या ये शरीर अग्नि की संपत्ति है, कुत्तों की संपत्ति है जो खा जाते हैं, किसकी संपत्ति है? हम ये शरीर को अपना माने बैठे हैं, है किसकी संपत्ति? जिसके लिए हम ये सारे सकाम कर्म करते हैं, जिसके लिए हम सारे आनंद प्राप्ति के लिए जीवन भर कष्ट भोगते हैं, ये किसकी संपत्ति है? नारद मुनि बताते हैं कि ये सबकी मिली जुली संपत्ति है, इसलिए अपना नहीं मानना चाहिए। हमारी तो है ही नहीं, अगर हमारी होती तो क्या छोड़ने के लिए हम अगर नहीं भी चाहते हैं तो छोड़ना तो पड़ता ही है, तो क्यों बाध्य होते हैं हम लोग इसको छोड़ने के लिए अगर ये हमारी संपत्ति है? इसलिए जानना चाहिए कि शरीर हमारी संपत्ति नहीं है, केवल शरीर से मिलने वाले कष्ट बद्ध जीव की संपत्ति है। बद्ध अवस्था में हमारा यही धन है, किस धन को हम इकट्ठा करते हैं? अहम मम अभिमान एई मात्र धन, भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि जीव का धन क्या है? अहम मम अभिमान एई मात्र धन, इतने सारे जन्मों में जो धन अर्जित किया वो यही है, मैं और मेरा बस। जीवन रहता है, मैं और मेरा करते रहते हैं, समाप्त हो जाता है, मरने के समय भी मैं और मेरा। प्रभुपाद उदाहरण देते थे कि उन्होंने देखा इलाहाबाद में एक व्यक्ति मर रहा है, लेकिन फिर भी डॉक्टर से कह रहा है 2 साल दे दीजिए मुझे, अभी बहुत कुछ करना है जीवन में। अरे मूर्ख व्यक्ति, मर रहा है, हमें तो सोचना चाहिए कि इसके बाद क्या, कहाँ पहुँचूंगा, क्या अवस्था होगी,
नरक जाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगा, भगवान के धाम जाऊंगा, क्या है मृत्यु? लेकिन हम और जीना चाहते हैं, और कष्टों को लेना चाहते हैं। ये शरीर जब तक है तो कई प्रकार के कष्ट देता है। पहला कष्ट इस शरीर से होता है रोग के द्वारा। हम सबको रोग सताता है और इसीलिए हम लोग बहुत कष्ट लेते हैं। दूसरा कष्ट होता है किसी अप्रिय घटना के द्वारा। शरीर को कभी कोई अचानक अप्रिय घटना हो जाती है, वैसे अचानक कुछ नहीं होता। हर चीज का एक कारण होता है इस जगत में। आध्यात्मिक जगत में कारण नहीं है, लेकिन इस जगत में हर वस्तु का, हर चीज का कारण है। तो हमारे जीवन में अचानक कुछ नहीं होता। हम तो सोच लेते हैं कि अरे ये अप्रिय घटना हो गई, ऐसा नहीं होना था, एक्सीडेंट हो गया, ये हो गया, शरीर दुखी हो जाता। तीसरा कारण दुख का है अत्यधिक परिश्रम। किसी चीज को पाने के लिए अत्यधिक परिश्रम, प्रयास, अत्यहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह। रूप गोस्वामी कहते हैं जो प्रयास है किसी चीज को पाने का, बहुत लालच, लोभ, और ये लोभ वासना में परिवर्तित हो जाता है। वासना क्या है? किसी चीज को पाने का जब लोभ बहुत तीव्र हो जाता है हृदय में, वो वासना कहलाता है। किसी भोग को पाने की वासना, धन को पाने की वासना, मान प्रतिष्ठा को पाने की वासना, ये वासनाएं हैं। और इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर अपने भजन में कहते हैं कि कब इन वासनाओं से परे जाकर वृंदावन के दर्शन कर सकूंगा। वो कहते हैं कि ये जो विषय छाड़िए कबे शुद्ध हबे मन, कबे हम हेरा वो श्री वृंदावन। भगवान के धाम को देखना सरल नहीं है। हम तो भगवान के धाम में आते हैं और धाम को बाहरी दृष्टि से देखकर चले जाते हैं। कुछ अच्छा लगता है, बंदर अच्छे लगते हैं, क्योंकि बंदर दूसरे शहरों में दिखाई नहीं देते, या अन्य चीजें। लेकिन जब तक आंखों पर प्रेम अंजन नहीं है, विषय अंजन है, तब तक वृंदावन के दर्शन नहीं होते। तो इसलिए तीसरा कारण कि हम अत्यधिक परिश्रम करते हैं। और चौथा कारण बहुत महत्वपूर्ण, किसी प्रिय वस्तु का वियोग होना, किसी प्रिय व्यक्ति का वियोग होना। तो ऐसे ये शरीर हमें कष्ट देता है अलग अलग कारणों से। और इस शरीर में कष्ट बना रहता है जब तक हम आध्यात्मिक जीवन की ओर नहीं जाते, जब तक ये समझ नहीं लेते कि इस जगत की बहुत थोड़ी चीजें चाहिए हमें धाम में जाने के लिए, इस जगत के परे जाने के लिए। बहुत ज्यादा नहीं चाहिए इस जगत का, थोड़ा सा बस, ये शरीर को बनाए रखना है ताकि जल्दी जल्दी भगवान के धाम जा सकें। तो जितना हम ये जानेंगे कि हमें बहुत थोड़ा चाहिए, उतना हम तृष्णा से परे जाएंगे। ये जो तृष्णा है, तृष्णा अर्थात पाने की कामना, बारंबार आकांक्षाएं, इसको तृष्णा कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये है नहीं सत्य। तो इस तृष्णा को जितना हम बढ़ाएंगे उतना कष्ट है। ये जान लीजिए, तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती। शरीर बूढ़ा हो जाता है, शरीर मर जाता है, मरने के बाद भी तृष्णा समाप्त नहीं होती। तृष्णा सदैव युवा है, हमेशा बहुत शक्तिशाली है। इसीलिए जब तक ये तृष्णा बनी हुई है, इस जगत में कोई सुखी नहीं रह सकता। हम लोग तो सुख की खोज करते हैं, ये सोचते हैं कि कुछ पाने से, कुछ इकट्ठा करने से सुख मिल जाएगा। सुख नहीं मिलता। अमेरिका जैसे बड़े देशों में बहुत कुछ है उनके पास, इतना है कि हर वर्ष वे लोग बहुत सारा जो अन्न है वो समुद्र में फेंक देते हैं, लेकिन फिर भी सुखी कोई नहीं।
बहुत कुछ है। तो ये जान लीजिए, इस जगत में सुख बहुत कुछ इकट्ठा करने से नहीं मिलता, और जो असफलताएं हैं उनसे दूर रहने से भी नहीं मिलता। कभी कभी लोग सोचते हैं कि इस जगत में ये जो असफलताएं हैं, अगर इससे मैं परे रह गया तो सच्चा सुख है, क्योंकि असफल व्यक्ति असफलताओं को संभाल नहीं पाता और इसीलिए सोचता है उससे दूर रहकर सुखी है। नहीं, कुछ इकट्ठा करके सुख नहीं है, असफलता से दूर रहकर सुख नहीं है। सुख तो केवल आत्मज्ञान में है। जब तक आत्मा का विषय नहीं जानेंगे तब तक सुख नहीं है। हाँ, ज्ञान भी परिपूर्ण नहीं है, ये जान लीजिए। अगर किसी व्यक्ति को आत्मा का ज्ञान हो गया तो ये निश्चित नहीं है कि वो सुखी होगा। बड़े आश्चर्य की बात, सब लोग कहते हैं आत्म साक्षात्कार होना चाहिए, आत्मा का ज्ञान होना चाहिए। तो क्या केवल आत्मा का ज्ञान लेकर व्यक्ति सुखी हो सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है? नहीं। हिरण्यकशिपु को भी आत्मा का ज्ञान था। हिरण्याक्ष का वध हुआ तो उस समय रो रही थी हिरण्याक्ष की माता, हिरण्याक्ष की पत्नी, और हिरण्यकशिपु जाकर ज्ञान दे रहे हैं कि आप क्यों रो रहे, आत्मा तो अमर है, आत्मा नहीं मरती, केवल शरीर बदलते हैं। जो ज्ञान भगवत गीता में भगवान ने दिया वही ज्ञान हिरण्यकशिपु ने भागवत में दिया है। इसीलिए शायद भागवत के उन श्लोकों में जहां हिरण्यकशिपु बोलना प्रारंभ करते हैं लिखा गया है श्री हिरण्यकशिपु उवाच, श्री हिरण्यकशिपु उवाच, क्योंकि ज्ञान दे रहे हैं आत्मा का ज्ञान। तो कह रहे कोई रोने की आवश्यकता नहीं है, आत्मा है, हम सब काल के प्रभाव से साथ में आते हैं और फिर थोड़ा समय रहते हैं और बिछड़ जाते हैं, ये तो शाश्वत नियम है जगत का। देखिए कितना ज्ञानी व्यक्ति है हिरण्यकशिपु, लेकिन क्या वो सुखी था? बिल्कुल सुखी नहीं था। प्रहलाद महाराज से उसने पूछा, बताओ सबसे श्रेष्ठ बात क्या है? तो प्रहलाद महाराज ने कहा, पहले तो ये बताता हूँ कि आपकी स्थिति क्या है। और प्रहलाद महाराज कहते हैं, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिना सदा समुद्वेग्न धियान सद्ग्रहा हित्वात पातं गृह अंधकूपं वनं गतो यत् हरिमाश्रयेत। प्रहलाद महाराज अपने असुर पिता को ज्ञान दे रहे हैं, हे असुर श्रेष्ठ, तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिना सदा समुद्विग्न ध्यान सद्ग्रहान, आप जैसे लोग जिन्होंने असत को पकड़ के रखा है सदा समुद्विग्न, कभी सुखी नहीं रह सकते, सदैव चिंता में रहते हैं। क्यों? क्योंकि जिस चीज को पकड़ना था शाश्वत चीज को, उसको तो छोड़ दिया, और जिसको पकड़ा है वो अपने आप चली जाएगी। असत ग्रहान, चाणक्य पंडित कहते हैं वो मूर्ख व्यक्ति है जो अशाश्वत चीजों के लिए शाश्वत चीज को त्याग देता है। दूसरे शब्दों में कहना चाहिए कि जो भक्ति करते हैं, भगवान के निकट आते हैं, भगवान को प्राप्त करते हैं, वो दरअसल वैरागी नहीं है। सच्चे वैरागी तो वो हैं जिन्होंने कृष्ण को त्याग दिया। सही है ना? हम लोग क्या त्यागते हैं? थोड़ा बहुत धन, एक आध परिवार, थोड़ी बहुत भोग। अरे उन लोगों को देखिए, महान त्यागी, सारे आनंद के स्रोत श्री कृष्ण, सब चीजों के देने वाले श्री कृष्ण, सारे जगत के रचयिता श्री कृष्ण, उनको त्याग दिया, महान त्यागी है। तो इसलिए सच्चा त्याग ये है कि हम भगवान की सेवा में लगें, आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करें, भगवान की भक्ति करें, जैसे श्रील प्रभुपाद इस तात्पर्य में समझा रहे हैं। सच्ची संतुष्टि तब आएगी। इस जगत में संतुष्टि नहीं है, तृप्ति हो सकती है। व्यक्ति थोड़ा तृप्त हो जाता है कुछ खाकर, कुछ पीकर, जैसे बड़ी भूख लगती है
थोड़ा बहुत खा लेते हैं तृप्त, लेकिन संतुष्टि नहीं है। लेकिन आध्यात्मिक जगत में संतुष्टि है, तृप्ति नहीं है। इसीलिए शौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी से कहते हैं, वयं तु न वितृप्याम उत्तम श्लोक विक्रमे यक्षृण्वताम रस ज्ञानाम स्वादु स्वादु पदे पदे। एक प्रश्न आता है मन में इस श्लोक से कि अरे वो भी संतुष्ट नहीं है, भौतिक जगत में भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है और आध्यात्मिक जगत में भी संतुष्ट नहीं है, तो लाभ क्या है? नहीं, अंतर है। आध्यात्मिक जगत में संतुष्टि है, तृप्ति नहीं है। वयं तु न वितृप्याम, कभी तृप्त नहीं होते, उत्तम श्लोक। और उस अतृप्ति का लाभ क्या है? वो आनंद देने वाली अतृप्ति है। इस जगत की असंतुष्टि केवल कष्ट बढ़ाने वाली है। व्यक्ति के पास सब कुछ है और चाहता है। जैसे एक बार एक व्यक्ति ने अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा दिया कि ये जमीन खाली पड़ी है, बहुत बड़ी जमीन, उस व्यक्ति को मैं मुफ्त दे दूंगा जो संतुष्ट आदमी है, सबसे संतुष्ट व्यक्ति। एक बहुत अमीर आदमी वहां से निकला, उसने बोर्ड पढ़ा और उसने सोचा कि मुझसे संतुष्ट कोई और है ही नहीं, बहुत अच्छा परिवार है, अच्छा घर है, व्यापार बढ़िया है, धन है, मुझे कोई असंतुष्टि नहीं है। तो चला गया, दरवाजा खटखटाया, व्यक्ति बाहर आया, ये बोर्ड आपने लगाया है? हाँ मैंने लगाया है। क्या ये जमीन आप उस व्यक्ति को दे देंगे जो पूर्ण संतुष्ट है? बिल्कुल दे देंगे, ऐसे ही दे देंगे मुफ्त? बिल्कुल मुफ्त देंगे। तो मुझसे ज्यादा संतुष्ट कोई और है ही नहीं, इसलिए मुझे ये जमीन दीजिए। तो उस व्यक्ति ने पूछा, महोदय अगर आप संतुष्ट हैं तो आपको ये जमीन क्यों चाहिए? संतुष्ट है ना, तो फिर जमीन क्यों चाहिए? मतलब संतुष्टि नहीं है। ये जगत है भौतिक जगत, ये दिल मांगे मोर ऐसा कहते हैं ना। तो इस जगत के लिए ही कहा गया है कि बस और चाहिए और चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक जगत पूर्ण संतुष्टि है। भगवान की कथाओं को सुनकर तृप्त नहीं होते, लेकिन संतुष्ट हो जाते हैं। फिर और कुछ नहीं चाहिए, केवल कथाएं। श्रृण्वताम स्वकथा कृष्ण, जब कथा सुनते हैं तो शुद्ध हो जाते हैं, पुण्य हो जाते हैं। तो ऐसे श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं कि कैसे हमें ज्ञान, हिरण्यकश्यपु को ज्ञान था आत्मा का, तो फिर क्या हुआ, वो क्यों संतुष्ट नहीं हुआ, क्यों आत्म साक्षात्कार पूर्ण नहीं था उसका? क्योंकि उसका जो ज्ञान था वो सही था, लेकिन ज्ञान का जो उसने निष्कर्ष निकाला वो गलत था। इसीलिए हमें आचार्य चाहिए जो ज्ञान का निष्कर्ष निकाल के दे हमें। केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान परिपूर्ण नहीं, हमें सार चाहिए। भक्तों का अर्थ है वो सारग्राही हो, भाव भारग्राही नहीं या भारवाही नहीं। इस जगत में जब तक व्यक्ति भक्ति नहीं करता, श्रील प्रभुपाद एक स्थान पर लिखते हैं कि वो मस्तक जो भगवान के सामने नहीं झुकता केवल भार है। और ऐसी सभ्यता जो भगवान के निकट नहीं है वो भी केवल भार है। तो हम में से कई लोग केवल भारवाही है। भक्तों को सारग्राही होना चाहिए। तो हिरण्यकश्यप को ज्ञान था, सार नहीं था, निष्कर्ष गलत था उसका। इसीलिए श्रील प्रभुपाद के ग्रंथ हमारे लिए सारे शास्त्रों का सार प्रकट करते हैं, और उस सार को लेकर फिर हम भगवान की भक्ति में बड़ी आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन क्या जब हम भक्ति करते हैं तो भक्ति में उत्साह बना रहता है? हम भक्ति करते रहते हैं एक साल, दो साल, दस साल, बीस साल, तो क्या वही उत्साह बढ़ता रहता है या उत्साह कम हो जाता है या कभी कभी उत्साह चला जाता है? साधारणतः भक्ति करते करते कभी कभी उत्साह कम हो जाता है, और इसका कारण भक्ति के पथ से भ्रष्ट हो जाना। जैसे सीता देवी
भगवान के साथ रह रही थी वन में, श्री रामचंद्र जी जिनके साथ हों उनको और किसी चीज की क्या कामना हो सकती है, लेकिन उन्होंने कामना कर ली एक सोने के मृग की, कामना कर ली और केवल उस कामना से फिर उन्हें आगे हम देखते हैं क्या क्या कष्ट उठाने पड़े, रावण की नगरी में जाना पड़ा। इसी तरह हम सब भगवान के निकट भगवान के साथ हैं, लेकिन जब कामना कर लेते हैं एक स्वर्ण के मृग की, एक भौतिक भोगों की, तो फिर रावण की लंका, ये जो भौतिक जगत है उसमें बद्ध होना पड़ता है। रावण जो काम वासनाओं का प्रतीक है बद्ध कर देता है। इसीलिए भक्ति में रहते हुए उत्साह को बनाए रखना चाहिए। और कैसे उत्साह जाता है भक्ति में? भक्ति में उत्साह जाने के कई कारण हैं और सबसे प्रमुख कारण अपराध। जब हम अपराध करते हैं, बुद्धि कम होने के कारण, चरित्र कम होने के कारण, या फिर भक्ति के या धर्म के ऊंचे सिद्धांतों के अज्ञान के कारण, तब फिर भक्ति का उत्साह समाप्त हो जाता है। एक महत्वपूर्ण कारण और है अपराध का, और वो है अहंकार, किसी भौतिक भोग का, भौतिक ऐश्वर्य का अहंकार। तो इसीलिए भक्ति में उत्साह बनाए रखने के लिए हमें नम्रता से सेवा करनी चाहिए। ऐश्वर्य के भोग के अहंकार को त्याग कर नम्रता से जब हम सेवा करते हैं, ज्ञान ग्रहण करते हैं श्रवण के द्वारा, और साथ ही साथ अपनी बुद्धि को भगवान में लगाते हैं, उत्साह बना रहता है। तो नम्र सेवा बहुत आवश्यक है, और जिस स्थान में हम हैं वृंदावन, वहां तो नम्रता बहुत आवश्यक है। व्यक्ति को सदैव अपने आप को अन्यों से कम देखने का प्रयास करना चाहिए। हमें दूसरों के गुणों को देखने का प्रयास करना चाहिए। सच्चा साधु तो वो है। साधुओं में भी कई श्रेणियां होती हैं। एक प्रकार के साधु हैं जो लोगों में दोष देखते हैं और उनके दोषों को कैसे गुणों में बदल सकते हैं वो सोचते हैं। ये पहले प्रकार के साधु हैं। दोष देखा और सोचा कि इसके दोष को कैसे मैं इसके गुण में बदल सकता हूं। दूसरे प्रकार के साधु हैं जो दोष देखते ही नहीं हैं, जो व्यक्ति के गुण को देखते हैं और उस केवल गुणों को देख लेते हैं, बस दोष को नजरअंदाज कर देते हैं, देखते नहीं। तो पहले प्रकार के साधु वो भी साधु हैं, क्योंकि दोष देखकर वो उसको गुण में बदलने का प्रयास कर रहे हैं। दूसरे प्रकार के साधु हैं जो दोष देखते ही नहीं हैं, केवल गुण देख लेते हैं कि बस गुण देखना है। तीसरे प्रकार के साधु होते हैं जो गुण देखते हैं और उन गुणों को बहुत बढ़ाकर प्रस्तुत करते हैं। सती देवी कहती हैं कि शिव जी का ये गुण है, तीसरे स्कंद में अपना देह त्यागने से पहले सती देवी वर्णन करती हैं, शिव जी का गुण है कि वो किसी के एक गुण को देखकर बहुत बढ़ा देते हैं। और चौथे प्रकार के साधु हैं जो श्रेष्ठ साधु हैं, श्रेष्ठतम साधु हैं, वे लोग उस व्यक्ति में भी गुण देख लेते हैं जिसके अंदर कोई गुण नहीं है, वो साधु। श्री प्रभुपाद एक समय प्रवचन कर रहे थे, एक व्यक्ति आया, लाल लाल आंखें, नशे में पूरा आकर खड़ा हो गया एकदम, सारे भक्त देख रहे हैं क्या करने वाला है अभी। और वो आया और गुस्से में बहुत लाल आंखें चलता हुआ आया और एक टॉयलेट का टिश्यू पेपर, टॉयलेट पेपर रख कर चला गया, रखा और चला गया, घूम गया। बाप सोचिए, हम लोगों में से कोई होता था तो कैसे बोल देते, क्या साधु का मान करना नहीं आता, ऐसे आ गए। प्रभुपाद ने देखा, काशी देखो उसकी सेवा भाव, भगवान के लिए कुछ लेकर आया है। तो जिस व्यक्ति में कुछ गुण भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति में गुण देख लेते हैं, वो है श्रेष्ठतम साधु।
और अगर श्रील प्रभुपाद में गुण नहीं होता तो आज हम सब यहाँ नहीं बैठे होते। प्रभुपाद ने हम सब के लिए एक दृष्टि प्रदान कर दी है। प्रभुपाद देख रहे हैं फ्यूचर, आगे आने वाले भविष्य के लोगों को भी, और उनके ना गुण होते हुए भी, योग्यता ना होते हुए भी हमें वो चीज़ प्रदान कर रहे हैं जिसके द्वारा हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। तो प्रभुपाद यही इस तात्पर्य के अंत में समझा रहे हैं कि भगवान की भक्ति, जैसे वो कह रहे हैं कि जन्म कर्म चमे दिव्यम, भगवान की भक्ति बड़ी सरल है। और विशेषता इस कलयुग में किसी भी पुत्र को भगवान के अपने पिता के प्रति आकर्षण के लिए, पिता के प्रेम के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। कोई मेहनत करता है पुत्र अपने पिता के प्रेम के लिए? कोई नहीं करता, स्वाभाविकता प्रेम प्रदान करते हैं। इसी तरह श्री कृष्ण हमारे परम पिता हैं, हमें कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है उनका प्रेम प्राप्त करने के लिए, कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो प्रेम देने के लिए तैयार हैं। केवल एक ही आवश्यकता है, हम उनकी ओर घूमें और उस प्रेम को स्वीकार करें, बस। अगर ये योग्यता हमारे अंदर आ जाए जिसके द्वारा हम श्री कृष्ण की ओर देख सकें, मुड़ सकें, उनके नामों का उच्चारण कर सकें, तो स्वाभाविकता प्रेम आएगा। और विशेषता कलयुग में जैसे किसी पिता के बहुत सारे संतान होते हैं और उनमें से एक संतान मान लीजिए अपंग है, अपाहिज है, कोई उसको दूसरा कोई कष्ट है, रोग है, तो पिता उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, उसको ज़रा ज़्यादा संभालता है अन्य बच्चों से। तो इस कलयुग में जन्म लेने वाले हम सब अपाहिज संतानें हैं, तो कृष्ण ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं हमारी तरफ कि ये लोग तो कुछ कर नहीं सकते, तपस्या होगी नहीं। पहले हमने सुना 36,000 वर्ष, अभी प्रचेता 10,000 वर्ष तपस्या कर लिए। तपस्या तो भगवान सोचते हैं ये तो कलयुग के प्रोडक्ट्स हैं, खटारा गाड़ियां हैं, धक्का देकर स्टार्ट होंगी। ऐसा होता है ना कि कई गाड़ियां अच्छी होती हैं, कई धक्के वाली होती हैं, तो ये कलयुग की खटारा गाड़ियां हैं, धक्का देकर स्टार्ट होंगी। इनको तो थोड़ा ध्यान ज़्यादा देना है, तपस्या होगी नहीं इनसे अगर कह दें। और प्रचेताओं ने तो पानी के अंदर जाकर तपस्या की, बताइए 10,000 साल तक, या और भी हम उदाहरण सुनते हैं, तो इनसे होने वाला नहीं है कृष्ण सोचा। और यज्ञ, ये क्या यज्ञ करेंगे ये लोग? पाव किलो घी खरीदने के लिए तो तकलीफ है इनको, यज्ञ कहाँ से होगा? अब हम लोग दशरथ महाराज का यज्ञ सुनते हैं तो पूरा शहर बसाया गया यज्ञ जब हो रहा था, राजाओं के लिए महल बनाए गए, साधुओं के लिए घर आश्रम बनाए गए, साधारण लोगों के लिए घर बनाए गए, और फिर पता नहीं कितना टन घी इकट्ठा किया गया, इतनी बड़ी यज्ञ स्थली हुई, ये सारा यज्ञ होता था। कृष्ण सोचते हैं ये तो ये लोग अभी कलयुग में क्या है, वो किसी को घर में यज्ञ के लिए बुलाते, पंडित इतना सा वो लेकर आता है, एक छोटा सा यज्ञ का पात्र होता है, चार लकड़ी डालता है, कुछ मंत्र बोलता है, ना उसको समझ में आता है ना हमको समझ में आता है, हमें केवल एक ही शब्द समझ में आता है, स्वाहा, है ना। बस वो जैसे लोग इंतज़ार करते रहते हैं, बड़े कहना चाहिए बड़े नियम से बैठे रहते हैं, जैसे बहुत ध्यान से सुन रहे हैं श्लोक, और जैसे ही स्वाहा आता है बस एक ही शब्द समझ में आता है, स्वाहा, और फिर यज्ञ समाप्त हो जाता है। और वो भी आजकल के पंडित कैसे हैं, उनको बोल दिया जाता है पहले, भाई देखो आधा ही घंटा है, जो भी करना है करो, वो बोलेगा नहीं नहीं एक घंटा तो लगेगा, आप 1,000 रुपये एक्स्ट्रा ले लेना, अच्छा ठीक है आधे घंटे में हो जाएगा। तो ऐसे यज्ञ हैं, तो भगवान सोचते हैं तो यज्ञ होने वाला नहीं है इनसे, क्या यज्ञ करेंगे और क्या तपस्या करेंगे। और फिर अर्च विग्रह की सेवा कहाँ संभव है? अब देखिए प्रभुपाद जी ने थोड़ा सा हमें दे दिया अर्च विग्रह, पूरा नहीं दिया है, जो अर्च विग्रह की सेवा होनी चाहिए थोड़ा सा दे दिया, वही करने में दिन भर चला जाता है। अगर हम लोग शास्त्र पढ़ें तो पुजारी को अगर शास्त्र के अनुसार वो स्नान करे तो भगवान को तो उठा ही नहीं पाएगा सुबह, भगवान सोते रह जाएंगे, क्योंकि नियम के अनुसार हर चीज़ का नियम दिया गया है, हर चीज़ का नियम, इवन शौच कैसे करना है, किस तरफ मुख होना चाहिए, वो भी दिया गया है, बताइए। अब उतना सब करते रहेंगे
तो भगवान तो बेचारे बैठे रहेंगे, 8 बजे तक पुजारी आएगा ही नहीं उठाने के लिए, मंगल आरती 10 बजे होगी, तो इसलिए वो नियम भी पालन नहीं हो सकते। और अभी तो इतना कलयुग बढ़ रहा है, अभी हम कुछ दिन पहले भक्ति पुरुषोत्तम महाराज के साथ में थे तो वो प्रवचन दे रहे थे, तो बता रहे थे कि जब वो छोटे थे तो उनके गांव में वो रहते थे तो शौच के लिए बाहर जाना होता था 1-2 किलोमीटर दूर, और नियम ये था कि जैसे जाएं फिर वो कपड़े वपड़े धो के नहा के सब आना पड़ता था, ऐसे आ भी नहीं सकते थे। तो बोले थे अभी देखिए क्या स्थिति हो गई है, पहले तो 1 किलोमीटर दूर गांव से होता था शौच। और वो एक उदाहरण दे रहे थे, बड़ा अच्छा लगा, वो कह रहे थे कि एक बार वो नए कपड़े लेकर आए थे और नए कपड़े पहने थे और कीर्तन चल रहा था, वो जा रहे थे नगर कीर्तन में, तो उनका पाँव कुत्ते ने जो मल किया हुआ था उसमें पड़ गया, तो उसमें पाँव पड़ गया, तो नियम ये था गांव में कि अगर उसमें भी पाँव पड़ गया तो कपड़ों समेत जाकर नहाना पड़ेगा, कपड़े धोने पड़ेंगे। तो वो बोल रहे थे कि मुझे बहुत दुख हुआ, अभी अभी नए नए कपड़े लेकर आया और जाकर धोना पड़ेगा सब। तो लेकिन देखिए अभी हमारी कितनी प्रगति हो गई है ना, पहले 1 किलोमीटर दूर शौच के लिए जाना होता था, फिर घर के अंदर आ गया, प्रगति हो गई, और अब तो बेडरूम के अंदर अटैच्ड होना चाहिए, प्रगति हो रही है हमारी। जिस चीज़ को पहले के लोग 2 किलोमीटर दूर फेंक कर आया करते थे उसको हम लोग, यस आप लोग जाए अमेरिका में यही है, अमेरिका में लोग सुबह सुबह अपने कुत्ते को घुमाने के लिए लेके जाते हैं, सोचते हैं हम मालिक हैं कुत्ते के, और कुत्ता क्या करता है, वो तो कुत्ता है, उसको थोड़ी पता कि अमेरिका है या इंडिया है, कुत्ता तो कहीं पर भी कुछ कर देता है। अमेरिका में नियम है अगर कर दिया तो आपको $200 फाइन होगा, तो इसीलिए वो लोग एक बकेट साथ में लेके जाते हैं और ग्लव्स पहन कर जाते हैं हाथ में, तो चलते रहते, कुत्ते के मालिक हैं, देखिए कौन किसका मालिक है पता नहीं चलता, तो कुत्ते के मालिक हैं लेके जा रहे हैं, और कुत्ता तो स्वाभाविक है वो तो सुबह के समय अपना कार्य करेगा, तो जैसे ही कर देते हैं तो ग्लव्स पहनते हैं, बड़े प्रेम से उसको लेकर रख लेते हैं बकेट में, फिर चलते हैं, ये मालिक हैं आजकल के। तो इसलिए हमारी प्रगति जो हुई है इस भौतिक जगत में वो केवल, खास करके कलयुग में, केवल पतन हुआ है, कोई हम आगे नहीं बढ़े हैं। ये जो टेक्नोलॉजी जिसको हम लोग सोचते हैं बहुत हमने प्रगति कर ली टेक्नोलॉजी बढ़ाकर, कृष्ण ने मना कर दिया था मैदानव को, उस समय देने वाले थे अर्जुन को, प्रसन्न हो गए, अर्जुन से कहा कि मैं तुम्हें तंत्र ज्ञान दे देता हूँ, ये जो सारी टेक्नोलॉजी दे दूँ, कृष्ण ने कहा ये नहीं अभी के लिए, ये आगे कलयुग में जब नीचे के स्तर के लोग आएंगे उनको देना है सब टेक्नोलॉजी, हम लोग अभी बहुत ऊंचे स्तर पे। तो इसीलिए हमारी असली प्रगति ये टेक्नोलॉजी या अन्य चीज़ें नहीं हैं, असली प्रगति मनुष्य की है कि जब वो भगवान की भक्ति में आगे बढ़े और भगवान की भक्ति करते हुए मनुष्य जीवन की उपयोगिता को समझे। तो जैसे हमने प्रारंभ में बताया 3 चीज़ें प्रभुपाद इस तात्पर्य में बता रहे हैं, तो जान लीजिए ये भौतिक जगत निरर्थक है, कोई अर्थ नहीं है इसका, और केवल आध्यात्मिक जगत ही शाश्वत है जहाँ हमें जाना है, और उसको जाने के लिए मनुष्य जीवन का सही उपयोग भक्ति के द्वारा करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण।